हेलो गर्लीज, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फेवरेट टेंट्स, जहाँ से मुझे टेंट्स पसंद आना शुरू हुई हैं वो वाली टेंट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये टेंट्स हैं बेनिफिट से और मेरे पास ये बॉक्स है, इसको लेके क्वेश्चन आया था। तो मैं बता दूं कि मैंने एक सिंगल टेंट खरीदी थी, उसके बाद मैंने सेट ऑफ टू खरीदा था नायका से। तो जो सेट ऑफ टू था वो इस बॉक्स में आया था, तो मैंने तीनों को इस बॉक्स में ही रख दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लुक आ रहा है, इस तरीके से रखी हुई है, कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो फर्स्ट मैं दिखाऊंगी इन टेंट, जो इनका बेसिक वाला वर्जन है वो कुछ इस टाइप से आता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कहाँ तक यूज किया हुआ है गाइज। ये मेरी फेवरेट है और इंडियन स्किन टोन के लिए तो ये बहुत बहुत अच्छी है। फेयर टू मीडियम, मीडियम टू डस्की, ये सब पे दिखती है। और इसका शेड बहुत प्यारा है, काफी ड्यूप्स आते हैं इसके मार्केट में, बट जो इसकी क्वालिटी और जो इसका टेंट है गाइज, वो आपको किसी में नहीं मिलेगा। डेली वेयर के लिए काफी अच्छी है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं लिप और चीक्स पे, और मैं तो इसको आईलेट्स पे भी कभी कभी अप्लाई कर लेती हूँ। मैं इसका हैंड स्वाच करके आपको पहले दिखा देती हूँ। बिल्कुल पानी है गाइज ये, या ऐसे सर्कुलर मोशन में आप लगाएंगे, इस टाइप का शेड ये आता है। काफी नेचुरल फ्लश सा देता है ये आपके चीक्स को। और वैसे इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स भी आते हैं, जैसे मेरे पास दो हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। सेकंड आता है गाइज इनका ये प्ले टेंट, और इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। इसको तो मैंने पैकेजिंग के से लिया था, ये रोज गोल्ड टाइप की पैकेजिंग है। इसका नाम है पिंक लेमनेड। इसको भी आप सेम तरीके से यूज कर सकते हैं, बट जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक है। आप देखेंगे ये इस टाइप से थोड़ा थिक है, और जो शेड है वो थोड़ा सा पीची पिंकी शेड है। और इसको भी आप इस तरीके से ब्लेंड करेंगे तो ये इस टाइप का शेड आएगा। आप देख पा रहे होंगे, हैंड पे इतने अच्छे से शायद नहीं आ रहा है। मैं भी आपको इसको फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा कैसा लग रहा है। इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये शेड भी काफी अच्छा है। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, लास्ट है ये चाचा टेंट, और इसकी पैकेजिंग भी आप देख सकते हैं गोल्डन, और इस पे व्हाइट कलर और पिंक कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। और ये भी काफी प्यारा शेड है, कैप इसका भी सेम है, और ये थोड़ा सा ऑरेंज अंडरटोन में है। आप देखेंगे तो आप देखिए जो शेड है वो थोड़ा सा कोरल पिंकी शेड है। तो गाइज ये तीन शेड है, आप देख सकते हैं। जो वॉटरी टेक्सचर है ये हमारा बेनिटेंट है, ये हमारा प्लेटेंट है जो थोड़ा सा पिंकी पीची शेड में है, और जो ये ऑरेंज टोन में कोरल शेड है ये है हमारा चाचा टेंट। आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चाचा टेंट। मैं इस तरीके से तीन डॉट लगाऊंगी, और हमेशा लाइट प्रोडक्ट लेना चाहिए, आप उसको बाद में बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सिंगल फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूंगी। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि ये है चाचा टेंट जो मैंने इस साइड लगाया है, और कितनी अच्छी फिनिश आई है इसकी, काफी ग्लोइंग लगती है इसको लगाने के बाद स्किन, हाइलाइटर की नीड नहीं लगती है मुझे। नेक्स्ट मैं आपको इसका बेसिक वाला दिखा देती हूँ, इस चीक पे इस तरीके से तीन डॉट लगाऊंगी और इस तरीके से इसको ब्लेंड कर लूंगी। और आप देख सकते होंगे कि कितनी अच्छी एक पिंक टोन आ रही है, काफी नेचुरल फिनिश आती है इन टिंट से। इस साइड आप देखेंगे थोड़ा कोरल पीची शेड है, इस साइड ये थोड़ा रोजी पिंक शेड है। लास्ट शेड है वो प्ले टिंट, मैं आपको दिखा देती हूँ लिप्स पे। लिप्स पे अप्लाई किया है और इसका लुक भी कितना अच्छा आ रहा है, आप इसको नो मेकअप मेकअप लुक में यूज कर सकते हैं। तो ये जो तीनों शेड्स हैं ये मेरे तीनों फेवरेट हैं, और अब आप देख ही पा रहे होंगे कि क्यों फेवरेट हैं। इससे एकदम से फेस को मेरे इतना सुंदर एक फिनिश आ गई है। गाइस होप आपको भी ये अच्छे लगे होंगे मेरे फेस पे, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। तो गाइस ये थे आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आगे की वीडियोस भी आप देखते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।